हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, जिसको आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो उस टाइम पे यूज भी ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी प्रोडक्ट का आना पड़ेगा। जैसे सपोज करो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेल लैपटॉप, मुझे डेल लैपटॉप परचेज करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या मैं इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। क्योंकि दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो सेलर टू सेलर डिपेंड करता है। कोई सेलर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड करता है और कोई सेलर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है दोस्तों, अगर हम बिजनेस के लिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं फ्लिपकार्ट से, तो फ्लिपकार्ट हमको GST का बिल बना के हमको देता है। तो जब भी हम रिटर्न फाइल करने जाते हैं हमारे बिजनेस की, उस टाइम पे उस अमाउंट का क्रेडिट हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, किसी प्रोडक्ट पे जाएंगे। जैसे हम इस प्रोडक्ट पे गए, यहाँ आने के बाद में इस प्रोडक्ट को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे GST invoice अवेलेबल लिख रखा है। इसका मतलब है कि ये सेलर आपको इस प्रोडक्ट पे GST invoice प्रोवाइड करता है। तो इस प्रोडक्ट को जब आप खरीदते हो तो आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में, अगर आपका बिजनेस है तो। फिर क्या करना पड़ेगा, आप अपने GST इनवॉइस सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देख लिया यहाँ पे है, आपको यहाँ पे बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ क्या, आपने बाय नाउ करते ही आपको यहाँ पे डिलीवर एड्रेस सेलेक्ट करना है। डिलीवर एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यूज GST इनवॉइस। GST इनवॉइस को आपको यूज में लेना है क्या। अगर आप GST इनवॉइस यूज में लेना चाहते हो तो आपको इस पर टिक करना पड़ेगा और आपका GST नंबर आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपना GST नंबर यहाँ पर डाल दिया और इसको सबमिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, और इसको कंटिन्यू करना है बस, और आपको पेमेंट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके इससे क्या होगा कि आपके जितने भी ऑफर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं ना, वो भी आपको उनका फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे कि अगर मान लो आपको कार्ड में कोई ऑफर चल रहा है कि इस कार्ड से शॉपिंग करने पर 10% ऑफ मिलेगा, तो वो आपको ऑफ भी मिल जाएगा और आप अपना GST क्लेम भी ले सकते हो। इससे रिलेटेड कई लोगों के क्वेश्चन मैंने देखे हैं। सबसे पहले मैं एक एक करके इन क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमें उसी ही बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहिए जिस बैंक अकाउंट से हमारा GST रजिस्टर्ड है। देखिए दोस्तों, इस तरह का कुछ भी प्रावधान नहीं है कि आपको उसी ही बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है। आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हो, बट प्रेफर ये करेंगे कि आप उसी बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करो। दूसरा क्वेश्चन ये दोस्तों कि कई लोग ये पूछते हैं कि मेरा जो डिलीवरी एड्रेस है वो क्या सेम ही होना चाहिए जो मेरा बिजनेस एड्रेस है। वो भी आपका दोस्तों डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम प्रेफर ये करेंगे कि आपका बिजनेस एड्रेस वही हो जो कि आप डिलीवरी एड्रेस वही हो जो आपका बिजनेस एड्रेस है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे आपको GST इनवॉइस लेना है, क्लेम लेना है, तो आप इस तरह से प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।